Hello students, welcome to BBVN online classes, and in today's video session we will read the second chapter and its name is the friendly mongoose. Okay, so mongoose a kind of जो है एनिमल होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. स्नेक और मंगूस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइवलरी रखते हैं. सो दिस स्टोरी इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक पंचतंत्रा. यू हैव ऑल नोन अबाउट पंचतंत्रा. व्हाट इज सो द पंचतंत्रा बुक इज़ एन एनिमल फेबल बुक दैट हैड सम मॉरल विद इट्स स्टोरीज. सो हम जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो रिलेटेड टू एन एनिमल फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग जो है हमें एक मॉरल जो है वो मिलेगा, एक वैल्यूएबल थिंग सीखने को मिलेगी जो हमें लाइफ टाइम काम आएगी. ओके, सो द फ्रेंडली मंगू इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी बिटवीन अ फैमिली एंड द मंगूस. एज अ पेट उसे रखते हैं और किस तरीके का उसका बिहेवियर होता है और किस तरीके से हम ह्यूमन जो हैं वो एनिमल के बारे में सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. द फ्रेंडली मंगूस. अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज. एक फार्मर, उसके वाइफ और एक उनका छोटा सा बच्चा जो है एक विलेज में रहते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस. उनके घर में एक छोटा मंगूस भी था. Who they believed would be their son's companion and friend in future. और जिसके बारे में वो सोचते थे कि वो उनके सन का companion होगा near future में. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक दिन farmer और उसकी wife जो हैं दोनों को बाहर जाना पड़ता है और अपनी baby को, small baby को वो mongoose के साथ में छोड़ कर चले जाते हैं. So what happens next we will read in this story. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है, एक फार्मर और एक वाइफ जो हैं एक गांव में अपने छोटे से बच्चे के साथ में रहते थे. दे लव्ड हिम वेरी मच. वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पैट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमें अपने घर में एक पालतू जानवर रखना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, he will need a companion. तो उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी. This pet will be our son's companion. और जो पेट हम रखेंगे वही क्या होगा, हमारे सन का companion बनेगा. His wife liked the idea. उसकी वाइफ को भी ये जो आइडिया है pet companion का वो पसंद आता है. One evening, the farmer brought up with him a tiny mongoose. और एक शाम वो फार्मर जो है वो एक छोटा सा मंगूस का बच्चा जो है वो अपने घर में लेकर आते हैं. It's a baby mongoose, said his wife. वो कहती है कि अरे ये तो मंगूस का छोटा सा बच्चा है. But will soon be fully grown. He will be a friend to our son. लेकिन ये जल्दी ही क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और हमारे बच्चे का एक अच्छा दोस्त बनेगा, एक अच्छा कंपेनियन बनेगा. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. धीरे धीरे मंगूस और बेबी जो हैं डे बाई डे ग्रो करने लगते हैं. इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5-6 महीने में मंगूस जो है वो अपना पूरा साइज ले लेता है बॉडी का. अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. वो बहुत ही प्यारा एनिमल था दिखने में. उसके दो काली काली बड़ी बड़ी चमकती हुई आँखें और एक बुशी टेल थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल. लेकिन जो फार्मर का बच्चा था वो अभी भी क्या था, एक छोटा सा बेबी था जो कि किसमें था, क्रैडल. क्रैडल क्या होता है, पालना, जिसमें हम बच्चे को रखते हैं, सुलाते हैं. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली. और कभी कभी सो जाता था और कभी कभी रोने लग जाता था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू मार्केट. एक दिन की बात है, फार्मर की वाइफ जो है उसको मार्केट जाना होता है, बाजार जाना होता है. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल. वो उस बेबी को फेड करती हैं, यानी कि खाना वाना सब खिला देती हैं. रॉक्ड हिम टू स्लीप और फिर धीरे धीरे उसको सुलाने की तरफ लेकर जाती है इन हिज लिटिल क्रैडल और वो उसी पालने में.
पिकिंग अप द बास्केट, और जब उसका बच्चा सो जाता है तो वो बास्केट उठाती है. शी सेड टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, बच्चा सो रहा है लेकिन उसका ध्यान रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, वो कहती है कि अगर मैं क्लियरली आपसे कहूँ तो इस बच्चे को इस मंगूज के साथ में अकेला छोटा मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, पसंद नहीं है. यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूज होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली एनिमल होते हैं. इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो. फिर वो कहते हैं, जितना प्यारा हमारा बच्चा होता ही प्यारा ये भी है, और तुम तो जानते हो कि ये दोनों क्या हैं आपस में, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट. मार्केट जो है वो वाइफ चली जाती है, और फिर फार्मर जो उसके बेचारे के पास में कुछ करने का था ही नहीं, डिसाइडेड टू गो आउट, तो वो भी सोचता है कि मुझे घर से बाहर जाना चाहिए. एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और जो खेत उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं है उनको जाकर एक बार संभाल के आ जाना चाहिए. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. और रास्ते में उसे उसका कुछ फ्रेंड मिल जाता है, इसलिए उसे आने में वक्त लग जाता है. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. फार्मर की जो वाइफ है वो घर लौटती है, उसने हाथ में एक हैवी बास्केट ले रखी है. शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, वो देखती है कि मंगूज जब एंटर करता है, वो जब एंटर करती है घर में, तो एंट्रेंस पर कौन मिलता है उसे, मंगूज मिलता है जिसके फेस पर और जिसके पाँव पर जो है खून लगा हुआ है. शी जंप टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन, वो इस कंक्लूजन पर पहुँचती है कि जो मंगूज के ब्लड लगा हुआ उसके बच्चे का है, और इसीलिए पनिशमेंट करना चाहिए किसको, मंगूज को, क्योंकि गिल्टी कौन है, मंगूज है. घर में कोई नहीं है और केवल वो अकेला था, तो इट मीन्स ब्लड है, तो वो उसका सीधा अच्छा ध्यान किस पर जाता है, मंगूज पर, कि उसने अपने बच्चे को मार दिया होगा. इसीलिए इस अल्टरनेटिव में, इस थिंकिंग के साथ में ह्यूमन बींग किस तरीके से बिहेव करेगा, वी विल वेट इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.